अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मटन स्टिक कबाब बनाने जा रही हूँ। ये मैं हाफ़ के जी मटन ली हूँ, जिसे मैं धोकर पीसेस में काट ली हूँ। पूरे पानी को अच्छे से निकाल दिया है। उसके लिए मैं कुछ मसालों के लिए, ये है मेरा हमारा मसाला, जिसमें ये गड़ी है सूखा हुआ, और कुछ बादाम है, दो हरी मिर्च है, अदरक है, प्याज कटी हुई है, लहसुन पेस्ट है, कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान फूल, और ये लाल मिर्च है भुका हुआ, जीरा पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, गोलकी पाउडर है, नमक है ज़रूरत के हिसाब से, और ये अरारोट है। इस अरारोट को मैं बाद में ऐड करूँगी, और इस मसालों को मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, और इस गोश्त में मैं मिक्स कर दूंगी मटन में। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, और ये मैं मटन में मिक्स कर दूंगी। ये हमारा मिक्स हो जा रहा है, और सारे सूखे मसाले मैं जो ली हूँ वो सब डाल दूंगी अरारोट छोड़कर। ये हमारा सूखा मसाला सारा चला गया, और मैं मिक्स कर लूँगी ये अरारोट, मैं बाद में डालूँगी। और ये सारे मसाले, पेस्ट, गोश्त सब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मलमल करके, जो हमारा सॉफ्ट हो जाए। ऐसे मिक्स अच्छे से करके 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे मैं स्टिक में डालूँगी, इसके लिए मुझे सॉफ्ट करना है। ये हमारा 2 घंटा हो गया है, अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे स्टिक में डालूँ। ये हमारा गोश्त के रखे हुए 2 घंटा हो गया है, सॉफ्ट जैसा हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें दही और अरारोट मिक्स करूँगी। ये हमारा दही जो चला गया, और ये अरारोट, इसको भी मैं डाल दूँगी। ये सारा चला गया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मलमल करके मैं मिक्स कर रही हूँ। ये हमारा मिक्स हो गया है, ये हमारा मिक्स हो गया है। इसके लिए मैं ये लंबी वाली स्टिक ली हूँ, जो बहुत बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और ये छोटी वाली भी स्टिक मिलती है, इसमें भी आप बना सकते हो, मगर आज मैं ये बड़ी वाली स्टिक में बनाऊँगी। ये मैं एक एक करके सब इसमें डाल दूँगी, जितना मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगा। ये मैं सारा स्टिक में मैं डाल दी हूँ, जितना डालना था वो मैं डाल दी हूँ। अब ये मैं ऑयल कढ़ाई पे डाल दूँगी, ऐसे हीट होने पर ये हमारा तेल हीट हो गया है। अब मैं इसे एक एक करके स्टिक को, सारे स्टिक को मैं इसमें डाल दूँगी। ये हमारा 5 स्टिक कबाब बन के तैयार हुआ है। ये मैं इसमें चेंज करती हूँ, वो कढ़ाई थोड़ा चिपक रहा था इसकी वजह से। ये मेरा तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा स्टिक कबाब बन के तैयार होता है। ये मैं जितना एक्स्ट्रा ऑयल है मैं निकाल दूंगी। ताकि थोड़ा सा और लाल हो जाए, थोड़ा चिपक रहा है। ये
मैं इसे पलट लूँगी बारी बारी से। ये हमारे इस तरीक़ा से बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट पे। ये मैं प्लेट पे मैं सारा निकाल देती हूँ। ये हमारे स्टीक कबाब बन के तैयार हो गया है। और इसे मैं प्याज से गार्निश कर दूँगी और कटी हुई नींबू रख दूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च भी रख सकते हैं। ये हमारा स्टीक कबाब बन के तैयार हो गया है।